जी चौधरी साहब आइए। नस्बत आई एम डोनाल्ड ट्रंप लादा नहीं जी फ्री जान डाने ये कुर्सी मेरी है। अच्छा बैठे बैठे ये कोई वजीर आजम की कुर्सी तो नहीं बैठे तस्वीर के तो सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं जावेद चौधरी। बस तुसी मेहमान हो शो साडा है तारीफ कराउंदे असि भूल जाने साडी याददाश्त चली जांदी। मैं जहां भी जाता हूं शो वहां से स्टार्ट हो जाता है। एडा मीठा वचन लाइन वहां से शुरू होती है। जी चौर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बस ठीक है बाकी गल उधर करो। आज से तकरीबन 15,000 साल पहले केनिया के एक जंगल में एक खोपड़ी मिली। उस खोपड़ी के फॉसिल से ये पता चला कि इंसानी तारीख 100 मिलियन पुरानी है। लेकिन यहाँ बड़ी एक हैरानी की बात है। बंदा गल्ला मिलियन से करता जेब से 10 रुपये भी नहीं होते। मेरी गल सुनो बड़ी इंपॉर्टेंट मरण लगे हो तुम सुन लिए थोड़ी। लेकिन नाज़रीन कोनान के जंगल में एक नाखन का फाजल मिला। अच्छा। उससे पता चला कि इंसानी तारीख 200 साल पुरानी है और वो नाखन का फाजल फैसल रहमान का था। 200 साल पुराने हो है ना इन्हें काम अकली 350-400 साल पुराने 350-400 ये तो कल की बातें हैं। हाँ जी फैसल भाई जो तो मसला यंग सन उदो का नीले रंग दे होंगे सर बाद काले हो ने बाद काले हो फिर फिर के उसके बाद अब एक और स्टोरी पे चलते हैं। हाँ जी नाज़रीन ये बंदा सिर्फ स्टोरियां सुनाउंदा है। नाज़रीन आज से तकरीबन 200 साल पहले कोई लेटेस्ट गल नहीं तुहाडे कोई 30-35 साल पुरानी 30 साल पुरानी जिहनूं असीं वी जाणदे हां। असल च इहनां दा आपणा बचपन नाल रोमांस ही इन्ना है हर गल 200 साल पुरानी है। इहनां कोल रज़ाई वी 200-250 साल पुरानी। इह चोरी मैं पुछिआ मैं कहा जी तुहाडे वालद साहब दा नां की है कहिंदे जी ये तकरीबन 200 साल पुरानी बात है मुझे याद नहीं। नाज़रीन आज से 200 साल पहले किनिया के जंगल रावलपिंडी में 200 साल पहले रावलपिंडी कितों आ गया जनाब। एहो जिहा मौजूद बंदा ना घर जाके सब तो पहले पुछदा वाईफाई है या तू पैकेज करा ला अपना। नाज़रीन उस जंगल में एक बादशाह था। अच्छा ये सिर्फ नाज़रीन ना गल करदा घर अपनी बुढ़ी नाल भी नहीं करदा। नाज़रीन बादशाह बादशाह जा रहा तो उन कुत्ते पै गए अगे की होया। देखिए बादशाह के घर एक बच्चा पैदा हुआ। माशाल्लाह टप फड़ना दे बच्चा पैदा होया। गल करी जो गल करी जो नाज़रीन बादशाह के ए दे दो वापस ये मेरा जो चीज मेरे पास आ गई वो मेरी हो जाती है। ओ नहीं जनाब ये चैनल दा कप है उन्होंने तैनू भी फाड़ लेना तो मेनू भी फाड़ लेना। नाज़रीन उस बादशाह के घर में एक बच्चा पैदा हुआ वो शहजादा था। बादशाह ने घर में फकीर पैदा होना नहीं यहाँ हैरानी की बात यह उसके 2 साल बाद वहाँ एक और बच्चा पैदा हुआ और सुहेल वड़ाइच साहब खुदा की कसम वो भी शहजादा था। वाह सरे देखो ये सोचने वाली गल है कि पहला भी शहजादा था दूसरा भी शहजादा। लेकिन ऐसे जो मौजूदे रोज नहीं जी होंगे। लेकिन नाज़रीन हज़रत अब यहाँ एक और हैरानी की बात है कि 3 साल बाद एक बच्ची पैदा हुई लेकिन वो शहजादा नहीं था। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो शहजादी थी। ये बहुत बड़ा मार था दिता है कोई डाल देते हाय हाय अल्लाह इस तरह की शहजादियों से बचाए। लो जी चोरी साहब ताड़ी लाख गल 1 रुपए दी और हर गल ताड़ी अल्लाह दा शुक्र सुटन वाली। लेकिन नाज़रीन उसी बादशाह के महल में बाहर सेन में एक बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ। आपके सर की कसम उठा के कहता हूँ कि वो शहजादा नहीं था। यही लम्बा फिक्रिया है नाज़रीन इंसान का बच्चा तो शहजादा लेकिन बिल्ली के बच्चे के साथ इतनी ज्यादती ये ज्यादती मियां मियां इंशाल्लाह किसी बिल्ली का बच्चा शहजादा ना हो। देखो ये हमदर्द लोग इधर घर बिल्ली ने बच्चे दिते कुटन वाली माई लैन चला गया। जाहिर है बिल्ली इंसान नहीं है। नहीं मतलब दुख उतना ही होता उसका। सुहेल साहब आप बताएं कि आप ईद वाले दिन वैसे तो घर में आप गुजारते हैं घर वालों के साथ लेकिन उसके बाद सबसे पहले किसकी दावत आप कबूल करते हैं? शुरू से मेरे वालिद साहब भी अपने भाइयों में बड़े थे मेरे दादा भी बड़े थे मैं भी अपने कजन्स में बड़ा हूँ तो हमारे यहाँ रवायत यह है कि जो बड़ा है छोटे उसके घर आते हैं। अच्छा तो इसलिए हम मेज़बान होते हैं उस दिन हमेशा से
और बाकी लोग जो हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरे कजन्स हैं, भाई हैं, वो सारे फिर मेरे मेहमान होते हैं। तो ये शुरू से ही रवायत है। तो जब आप छोटे थे, मतलब बचपन में, आप भी कहीं जाया करते थे इसी तरह ईद की कुर्बानी? मेरे वालिद साहब जो बड़े थे तो इसलिए उस वक्त भी हम मेज़बान थे। शुरू से इन पर मेज़बानी की जिम्मेदारी, इसलिए ये बहुत अच्छे मेज़बान है टीवी पे। नो डाउट। और नीलम, आप कहाँ जाती हैं ईद वाले दिन? कहाँ घर वालों के बाद आप किसकी दावत कबूल करेंगी? नहीं, सोती तो नहीं हूँ खैर, लेकिन पहले अपनी खाला के यहाँ चली जाती थी, अब मैं नहीं जाती वहाँ। क्यों? तो ताड़ी पूरी फील्ड ना लड़ाई है किसी एक्टर का करना जाना। मैंने बोला कि मेरी लड़ाई है ना, आपको कोई नहीं चाहती ना, आपको कोई गोश्त भेजता है ना, आप किसी को गोश्त भेजते हैं ना, आप किसी से मिलती हैं? किस किस्म की आप एक्ट्रेस हैं? मुझे समझ नहीं। बस ऐसे फिर भी खुशी, मेरा ड्रेस ले लो, इतना कुछ मिल जाता। इन्होंने मेरा ख्याल है एक अपनी दुनिया बसा, अब बिल्कुल बेहतरीन अपनी दुनिया बसा रखी है, उसी में रहती है। जब से अब पता नहीं कौन खुश किस्मत है जो उस दुनिया में रहता है। अच्छा, अपना फैसल भाई, मैं ना सुहेल भाई नाल एक क्वेश्चन करना चाहना। एक ही करी जो दूसरा कीता उन्हें मारना ही। नहीं नहीं, इको दी गल होई। सुहेल भाई, यकीन करो, ए तुसी बैठे हो ना, तुसी टोन टेंपो तुहाडी बिल्कुल मुख्तलिफ आ। जिहड़ा तुसी प्रोग्राम करदे हो उहदे च स्पैशल एक टोन दित्ती आ तुसी। आया उह तुसी खुद बनाई ਕੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਟਿਊਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਭੇਜਦਾ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਬੋਨ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਧਰ, ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੁਆ ਹੁਤਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਸੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਮੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦੋ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਰ। ਜੀ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਮੁਝੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾ। लेकिन जब मैं वो प्रोग्राम करता हूँ तो एक ये ऐसे ही है कि जैसे कोई गाने वाला है, जैसे ये पेंटिंग है, उसके सामने अगर कैनवस ना हो तो वो कैसे बताएगा मैं कैसे तस्वीर बनाता हूँ। एक गाने वाला जो है, अगर उसको गाने का मौका ना दिया जाए तो वो कैसे बताए मैं कैसे गाता हूँ। वो गा के ही बता सकता है, तो मैं भी प्रोग्राम करके ही बता सकता हूँ वैसे कैसे क्यों होता। इसका मतलब है कि जब आपके हाथ में माइक आता है और सामने कैमरा होता है तो उस वक्त आप कुछ और हो जाते हैं। हर बंदा हो जाता है, खुद ब खुद निकला। दुनिया में हर शख्स कैमरे के सामने तब्दील होता है, सवाल है कितना होता है। कितना? जी जी। तो मैं शायद ज्यादा हो जाता हूँ। चाचा भी तब्दील हो जाता है, पहले बंदर होता, कैमरा लगता है, इंसान बन जाता। तो फैसल भाई, इस लड़की का कलर सूख गया, इसको वॉश कर दूं? नाज़रीन, यकीनन इस ब्रेक में आपने कोरमा शोरमा तो खा लिया होगा। हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास। अच्छा नीलम, आप बताएं कि आप कुर्बानी के बाद क्या सोचती है, क्या चीज़ पक के आपके सामने आए, पहले कौन सा हिस्सा आप खाना पसंद करेंगे? कलेजी। कलेजी? कलेजी मुझे बहुत पसंद है, एंड आई वेट फॉर इट। और जो बनती है बड़े मजे की, सिर्फ होती है। बकरों की कलेजी या उस्ताद जी ला दो वेस्ट काम उधरों शुरू हो गया। नहीं, वो तो लाइट लाइट है ना। देखे कलेजी जो है ना, वो बड़ी जल्दी पक जाती है। हाँ जी। ये दिल का एक ऐसा हिस्सा है कि जो फौरन तैयार होता है पकने को, तो इसलिए शायद सबसे पहले वही बेचारी खाई भी जाती है। और कलेजी के नंबर वन है, फिर नंबर टू पे क्या कौन सा है? मुझे सारे हिस्से बता दें बकरे, फिर सबको भूख लग जाएगी यहाँ पे। नहीं नहीं, आप थोड़ा थोड़ा बता दें। अच्छा, ओके। मैं तो उस बकरे ते खुशकिस्मती तो दी ते सदके जा रहे हैं, जिदी कलेजी इन्होंने खाधी होनी ते ऐल की पतेलू छुरी फेर ली। एकदा कुर्बान होना चाहना तो सोफा पाड़ के वास्कट बनाई फिट। इंसान की कुर्बानी आराम हुंदी उस्ताद जी, इंसान दी हुंदी तेरी नहीं। आप जज नहीं करना कि मैं कितना खाती हूँ, लाइक थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। नाश्ते से शुरू किया। मैनू लिखवा दो, मैं कल दे जा कितना खाते। अच्छा, आप पूरा अपना बताना चाहिए। फिर दोपहर में कलेजी खा ली रोटी के साथ, थोड़ी सी हाफ रोटी, फिर उसके बाद बिरयानी बन जाती है, साथ में गोश्त बन जाता है। हम पठान है तो हम नमकीन गोश्त बहुत मजे का बनाते हैं। मतलब ईद के दिन तो आप डाइट भूल ही जाना, खूब खाएं पिए बहुत जरूरी है। ओजरी नहीं खाती आप? ओजरी? ओजरी खाती हूँ, बहुत शौक से। कई लोग नहीं खाते, उनको नहीं, हम खाते हैं, बहुत शौक से। ओजरी नहीं लगी, तौलिया काट के पका ले। आप शौक से ओजरी खाती हैं? जी बिल्कुल। चाचा जी भी बड़े शौक ना धोंदे ना।